नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए, चुनाव तो अगले साल होंगे लेकिन देश के सभी दल अभी से मिशन 2024 के जुगत में जुट गए हैं। लंबी कवायद के बाद पटना में 15 विपक्षी दल जुट रहे हैं जो भाजपा नीत NDA गठबंधन को सत्ता से बाहर करने की रणनीति पर काम करेंगे। ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि विपक्षी दल बंधन करने के मोर्चे पर BJP से आगे निकल रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 2014 के चुनाव में 282 और 2019 के चुनाव में अकेले दम पर 303 सीटें जीतने वाली BJP भी मिशन 2024 के रास्ते पर निकल चुकी है। पार्टी ये समझ रही है कि 2019 के बाद हुए कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों ने हालात बदल दिए हैं, लिहाजा उसे भी ऐसी साझेदारी की जरूरत है जिनके सहारे वो अपनी सत्ता बरकरार रख सके। देखा जाए तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में इसकी झलक मिली। इस समारोह में 25 पार्टियां शामिल हुई जबकि 21 विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आंकड़ों के आईने में देखें तो समारोह का समर्थन करने वाले पार्टियों की लोकसभा में संख्या 736 और राज्यसभा में 131 है, जबकि बहिष्कार करने वाली पार्टियों की लोकसभा में संख्या 168 और राज्यसभा में 104 रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो संसद भवन का उद्घाटन BJP के लिए उत्साहजनक रहा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि समारोह में शामिल हुई सभी पार्टियां चुनावी मैदान में BJP के साथ कदम ताल करेंगी ही। ऐसे में यह समझना दिलचस्प होगा कि BJP फिलहाल किन संभावनाओं पर काम कर रही है और किन किन दलों के साथ आ सकती है। साल 2019 के मुकाबले कर्नाटक में स्थिति बदल गई है और पिछले लोकसभा चुनाव में BJP को यहां 25 सीटें मिली थी। बाद में एक निर्दलीय सांसद ने भी उसे समर्थन दे दिया था। तब कांग्रेस JDS ने मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन दोनों को एक एक सीट ही मिली। लेकिन बीते कई महीनों से हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल कर राज्य में न सिर्फ BJP के लिए बल्कि JDS के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। जबकि अब BJP को लोकसभा सीटों की संख्या घटने की आशंका है। ऐसे में पूर्व PM HD देवगौड़ा की पार्टी JDS की ओर देख सकती है। दूसरी तरफ JDS के हालात ये हैं कि उसे अपना अस्तित्व बचाना है। यही वजह है कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल देवगौड़ा अपने बेटे कुमार स्वामी के साथ शामिल हुए। दोनों पार्टियां पहले भी दो बार साथ रह चुकी हैं। बिहार में कुशवाहा, पासवान, मांझी और साहनी पर निगाहें सबकी बनी होंगी। BJP के लिए यहां मुश्किलें दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा होंगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार के NDA से अलग होने के बाद अकेली पड़ी BJP अपना कुनबा बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में BJP, JDU और लोजपा साथ में ही थे तो 40 में से 39 सीटों पर BJP गठबंधन का कब्जा हो गया था। अकेले BJP को 17 सीटें मिली थी, JDU को 16 सीटें मिली थी और 6 सीटें लोजपा को मिली थी। लेकिन अब JDU महागठबंधन के पाले में है और लोजपा भी 2 सीटें 2 भागों में बट गई है। ऐसी स्थिति में BJP की कोशिश लोजपा के चाचा भतीजा के साथ लाने की होगी। उपेंद्र कुशवाहा भी JDU से अलग हो चुके हैं और उन्हें भी BJP अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जीतन राम मांझी से लेकर मुकेश साहनी तक भी BJP के साथ आने की संभावना दिखा रहे हैं। ये पार्टियां छोटी जरूर हैं लेकिन राज्य की राजनीति पर इनका प्रभाव है। मसलन उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव 13 से 14 जिलों में माना जाता है। राज्य में मांझी समुदाय की आबादी करीब 4% है।